मैं हूं सैयद जीशान, आप देख रहे हैं सत्य आज तक। नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। बहुजन विकास अघाड़ी पार्टी के भिवंडी शहर अध्यक्ष फहीम आजमी ने शहर में गंदे पानी लोग पीने पर मजबूर है, इसको लेकर फहीम आजमी ने महानगर पालिका को चुनौती दी और क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, कई दिनों से ये चर्चा चल रही है भिवंडी शहर के अंदर कि गंदा पानी हमने भी देखा है, बाटल में भरवा के मंगवाया ऑफिस पे, मैंने भी चेक किया और जो गंदे पानी हैं वो, चलिए ठीक है, महानगर पालिका के इस चीज़ का देखना चाहिए कि क्यों ऐसा गंदा पानी आ रहा है, क्या कारण है, उसको जाकर जांच होना चाहिए। और उस चीज़ें आदमियों को, जिनके हैं पैसा वो तो खैर खरीद के पी रहे हैं, और जिनके पास नहीं है वो कहाँ से पियेंगे, वो तो महामारी कोरोना से तो कम मर रहे हैं, अगर ये पानी घर तक का पियेंगे तो बहुत जल्दी मरने के कागार पे पहुँच जाएंगे। तो मेरा कहना ये है महानगर पालिका के अंदर आयुक्त साहब से कि सर आप इसका निर्णय निकालिए और जल्द से जल्द ये शिकायत दूर हो, वरना जो है पब्लिक, जिस दिन महानगर पालिका अगर नहीं कर पाएगी सुधार तो महानगर पालिका घेरने में यहाँ की पब्लिक फिर देर नहीं करेगी, फिर उस चीज़ को आपको जवाब देना रहेगा। क्योंकि लोग जो गंदा पानी पी रहे हैं तो इस चीज़ से कई लोग बीमार हो रहे हैं और कई लोग ऐसा हो चुके हैं पानी पी के जिसका खांसी ज़्यादा आने लगी है, तो इस चीज़ से उनको रुकावट डालने के लिए महानगर पालिका जल्द से जल्द उसका निर्णय ले, वरना हमारी बहुजन विकास अघाड़ी पार्टी के भी लोग वो चीज़ का घेराव करेंगे कि जो बहुजन विकास अघाड़ी पार्टी है जो काम करेगी वही दिखावा करती है। अन्य पार्टी की तरफ से नहीं कि हम काम करें 10% या 100% बताएं, वो हमारा काम नहीं है, क्योंकि पब्लिक का विश्वास होना चाहिए। जब पब्लिक का विश्वास नहीं रहेगा तो हम बता के क्या मतलब है, अभी हम बता सकते हैं कि निवेदन पत्र हम दिए, काम चालू हुआ, हमारे लेटर को हुआ, ऐसा नहीं। वो हम उस चीज़ पे खड़े होंगे जो चीज़ हम कराएंगे। तो ये हम महाविकास अघाड़ी सरकार में हैं, जहाँ तक पब्लिक का हमको सपोर्ट है भिवंडी के अंदर, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया उनका अदा करना चाहता हूँ। और हमारी युवा टीम, महिला टीम, हर बॉडी रेडी है भिवंडी के अंदर, बहुत ही जल्द आपको बहुजन विकास अघाड़ी का चमत्कार आपको दिखेगा। ये रक्षाबंधन एक ऐसा भाई बहन का प्यार होता है कि जो दूर भी रहते हैं वो भी रक्षाबंधन बनवाने के लिए आते हैं। तो मेरा कहना है कि एक अच्छा त्यौहार है हमारे हिंदू भाई लोगों का, जिस तरीके से त्यौहार मनाया जाता है, ईद हो, बकरीद हो, हर त्यौहार, उस तरीके से रक्षाबंधन भी एक अच्छा त्यौहार है। उस चीज़ से मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक अच्छे तरीके से त्यौहार मनाया जाए और इस चीज़ का खुशी उनको दिखना चाहिए। मैं बहुजन विकास अघाड़ी की पूरी टीम की तरफ से और मैं अपनी तरफ से उनको बधाइयाँ देना चाहते हूँ कि आप रक्षाबंधन ढंग से मनाइए, ये हमारी बहुत बहुत आपके लिए शुभकामनाएं। सैयद जीशान को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।